नमस्कार किसान साथियों, पिछले लगभग एक हफ्ते से अगर हम लोग बात करें तो अलग अलग सोशल मीडिया के ऊपर और अलग अलग न्यूज़पेपर में एक फसल है सरसों, जिसके बारे में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है और आने वाले दो सालों के अंदर सरसों की एक अलग किस्म जो है वो अपने देश में आने जा रही है और जिस सरसों का नाम है जीएम सरसों। जीएम सरसों को लेके अलग अलग प्रकार के कंट्रोवर्सी भी है, अलग अलग प्रकार की नेगेटिविटी भी है। बहुत सारे जो साइंटिस्ट है, बहुत सारे जो लोग हैं, वो इसको एक गलत पहल अपने देश के लिए बता रहे हैं, जबकि कुछ ग्रुप और कुछ साइंटिस्ट जो हैं इसको एक बहुत ही अच्छी पहल जो है अपने देश के लिए बता रहे हैं। तो जीएम सरसों की अगर हम लोग बात करें कि ये क्या है और ये आने वाले समय में अपने किसान को किस तरीके से फ़ायदा देके जाएगी या किस तरीके से ये घाटा देके जाएगी, तो वो सारी चीज़ें समझने से पहले हम लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि ये जीएम जो शब्द है, ये जीएम शब्द क्या है। जीएम शब्द किसान भाइयों है जेनेटिक मोडिफिकेशन। जेनेटिक मोडिफिकेशन का आप सीधा स्पष्ट भाषा के अंदर ये मतलब मान के चलिए कि जितने भी प्रकार के जीव है, जितने भी प्रकार के जंतु है, जितने भी प्रकार के पेड़ पौधे हैं या इंसानी शरीर है, हर जीव जंतु पेड़ पौधे या हम लोग जो है वो बिल्कुल छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलके बने हैं और उन कोशिकाओं के अंदर डीएनए जो है, उस डीएनए की एक पूरी श्रृंखला के छोटे से भाग को बोला जाता है जीन, जो किसी न किसी गुण जो है उसको अगली पीढ़ी के अंदर लेके जाते हैं। साधारण भाषा के अंदर आप ये समझिए कि आपने कई बारी देखा होगा कि कुछ परिवार जो है उनमें जो लोग हैं उनकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है, पीढ़ी दर पीढ़ी, मतलब उनकी जो हाइट है वो ज़्यादा रहती है। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी हाइट का ज़्यादा होना या पीढ़ी दर पीढ़ी हाइट का छोटा होना, तो ये किसी ना किसी उनके डीएनए के अंदर जीन जो एक स्पेशल तरह का है उसकी वजह से होता है। और जेनेटिक मॉडिफिकेशन का सीधा मतलब ये है किसान भाइयों कि अगर किसी भी प्रकार की एक फसल जिसके अंदर एक दूसरे किसी जीव से, एक किसी दूसरे जंतु से या किसी भी दूसरे पौधे से एक स्पेसिफिक जीन जो है उसको डाल दिया जाए किसी दूसरी प्रजाति के अंदर या किसी दूसरी फसल के अंदर, उसके बाद जो जाके अगली पीढ़ी निकलती है, उस पीढ़ी में उस स्पेसिफिक जो जीन है उसके कुछ गुण जो है वो देखे जा सकते हैं अगली पीढ़ी के अंदर। तो ये सारा जेनेटिक मॉडिफिकेशन है। आपको हैरानी होगी ये बात जान के कि आने वाले कुछ सालों में ऐसा भी कुछ पॉसिबल हो सकता है कि इंसानी शरीर के अंदर कोई ऐसा जीन भी इंसर्ट कर दिया जाए जिसकी वजह से इंसानों का रंग हरा हो जाए, इंसानों का जो शरीर है वो ऑटोमेटिक क्लोरोफिल बनाना शुरू कर दे और इंसानों का जो शरीर है वो एक स्पेसिफिक जीन की वजह से अपने आप शरीर के अंदर भोजन बढ़ाने की जो प्रक्रिया है वो करना शुरू कर दे। आज हो सकता है ये बात अटपटी लगे, लेकिन अगर हम लोग आगे की बात करें, 20, 30, 50, 100 साल की बात करें, तो ऐसा भी कुछ संभव हो सकता है और इसके ऊपर भी पहले किसी टाइम पे रिसर्च भी हुई है। इसी सेम टू सेम तरीके से जीएम सरसों जो है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी ने अप्रूवल दी है और ये जो आने वाली वैरायटी या जो आने वाली किस्म रहेगी जीएम सरसों, इसके अंदर एक जमीन के अंदर बिल्कुल सूक्ष्म बैक्टीरिया है जिस बैक्टीरिया का नाम है बैसिलस अमाइलोक्विशियंस। ये जो बैसिलस अमाइलोक्विशियंस है, इस बैक्टीरिया के अंदर एक स्पेसिफिक जीन ऐसा है जिसको सरसों के साथ जोड़ के और एक अलग किस्म जो है सरसों की बनाई गई है। एक्सपर्ट ये कहते हैं कि अगर जेनेटिक मॉडिफाइड जो सरसों हैं
इसको अगर किसान अपने खेत में लगाएगा तो लगभग लगभग 30% उसके खेत में सरसों की बढ़ोतरी होगी, सरसों की पैदावार में बढ़ोतरी आएगी और जो तेल की मात्रा है उसके अंदर भी ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने इस जो ये जेनेटिक मॉडिफाइड जो सरसों है, जीएम सरसों है, इसको इजाद किया है। हालांकि जो जीन इंसर्ट किया गया है एक बैक्टीरिया का, तो वो एक प्राइवेट कंपनी है जिस कंपनी का नाम है बायर क्रॉप साइंस, उसकी एक पेटेंटेड मतलब टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू ये इंसर्ट किया गया है। तो आने वाले समय में जैसे बीटी कपास की पूरे विश्व के अंदर रॉयल्टी मोनसेंटो ले रही है, तो सेम टू सेम इसी तरीके से अगर भारत के अंदर जीएम सरसों आ जाती है तो आप चाहे किसी भी कंपनी का जीएम सरसों लीजिएगा, लेकिन उसका प्रॉफिट का कुछ हिस्सा उन कंपनी को ऑटोमेटिक बायर क्रॉप साइंस को जो है जाएगा, उनकी जेब में डलेगा। इंडिया के अंदर आज तक सिर्फ बीटी कॉटन ही एक ऐसी फसल थी जिसमें जेनेटिक मॉडिफिकेशन करके और एक जमीन के बैक्टीरिया का जीन जो है वो इंसर्ट कर दिया गया था कपास में। हालांकि जो कपास है वो हम डायरेक्ट नहीं खाते, हम लोगों का डायरेक्ट उसके साथ कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर हम लोग सरसों की बात करें तो इसका तेल हम लोग खुद इस्तेमाल करेंगे और इसके तेल को अलग अलग प्रकार के तरीकों से हम अपने खुद के शरीर के अंदर डाइजेस्ट करेंगे। तो सिर्फ एक ये चीज है जिसकी वजह से बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी जो है वो देखने को मिल रही है। अगर 2 साल के अंदर अंदर जेनेटिक मॉडिफाइड सरसों अगर मार्केट में आ जाती है तो किसान को सीधा क्या फर्क रहेगा वो मैं आपको बता देता हूं। धीरे 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 करके जैसे पिछले कई सालों से पुराने जो कपास के नॉन बीटी जो देसी जो बाड़ी हम लोग जिसको बोलते हैं वो जैसे इंडिया से विलुप्त हो गए, सेम टू सेम इसी तरीके से आने वाले समय में सरसों की बाकी सारी जो किस्में है वो सारी विलुप्त हो जाएगी और किसान को मजबूरी के अंदर जीएम सरसों को ही लगाना पड़ेगा और जिसका आज की सरसों के जो पैकेट का भाव है उससे कम से कम 2 से 3 गुना जो भाव है वो देना पड़ेगा। हो सकता है कि 2 साल के बाद में जब जीएम सरसों आए और जब उसको किसान लगाए तो उसका जो पैकेट है वो हो सकता है कि 3,000 रुपये प्रति केजी के हिसाब से या 4,000 रुपये प्रति केजी के हिसाब से जीएम सरसों का जो बीज है वो किसानों को मिले। कुछ साइंटिस्ट इसके बारे में ये भी कहते हैं कि अगर इस तरीके का प्रकृति के साथ में छेड़छाड़ अगर किसान के लिए या कोई भी अगर ऐसे ही करता रहेगा तो आने वाले समय में इस चीज का नुकसान भी अपने को देखने को मिल सकता है। तो अभी कुल मिला के इसके ऊपर एक गर्मा गर्मी का माहौल है। भारत के अंदर अगर किसी भी प्रकार की संशोधित अगर वैरायटी आती है, अगर जेनेटिक मॉडिफाइड अगर कोई भी किस्म आती है तो उसके लिए सबसे पहला जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी जो है उसकी परमिशन होना जरूरी है। तो जीएम सरसों के लिए इसकी परमिशन भी आ चुकी है। उसके बाद दूसरा जो पर्यावरण जो अपना विभाग है, जो ये पर्यावरण मंत्री है या जो अपना पर्यावरण जो विभाग है जो पूरे अपने भारत के अंदर पर्यावरण का किसी भी चीज का क्या दुष्प्रभाव रहेगा या उसका क्या फायदा रहेगा या किसी भी प्रकार का उसका कोई मसला जो है वो पर्यावरण से रिलेटेड नहीं है, तो इस चीज के लिए जीएम जो फसलें हैं उनकी एक अनुमति जो है वो पर्यावरण विभाग से भी मिलनी जरूरी है। तो इंडिया के अंदर ये दोनों जो चीजें हैं ये हो चुकी है। अब 2 सालों के अंदर अंदर लगभग लगभग आप मान के चलिए कि हर प्रकार की जो बीज का काम करने वाली कंपनी है उनको जाने अनजाने या मजबूरी के अंदर जीएम सरसों जो है उसको लेके आना पड़ेगा और किसानों को ऊंचे दामों पे देना पड़ेगा। लेकिन इस चीज के लिए मैं सल्यूट करता हूं अपने जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी को और अपने देश के जितने भी साइंटिस्ट या जितनी भी यूनिवर्सिटीज जीएम सरसों को लेके आई है या उसके लिए स्ट्रगल कर रही है। सल्यूट इसलिए करता हूं क्योंकि इंडिया के अंदर किसी भी प्रकार की जीएम फसल का
अप्रूवल आना इतना आसान काम नहीं है। आज की डेट में अगर आप यूएसए के अंदर बात करें तो यूएसए के अंदर जीएम सोयाबीन, जीएम मक्का, जीएम आलू, जीएम कपास, तो ऐसे करके कम से कम 10 से 12 अलग अलग प्रकार की जो फसलें हैं वो ऑलरेडी चल रही है और पिछले कई सालों से चल रही है, और उसका किसानों को बहुत ज़्यादा जो फायदा है वो किसी न किसी चीज़ को लेके मतलब किसान को मिल रहा है। लेकिन इतने सालों में जाके एक दूसरी फसल की उम्मीद जो है, जेनेटिक मॉडिफाइड जो फसल है सरसों, उसकी देखने को आ रही है। तो इसके बारे में अगर किसी भी प्रकार का कोई और अपडेट अगर आएगा किसान भाइयों, तो वो मैं आपके बीच में लेके आऊँगा। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।